आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप स्लाइस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्लाइस एप्लीकेशन से कैसे लोन ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको मिल जाएगी कि आपको यहाँ पे कितने तक की लोन मिलती है, आपको पेमेंट कैसे करना है, कितने महीने के अंदर आपको पेमेंट करना है, अगर आप किसी पेमेंट को करने में लेट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे कितने आपसे पेनल्टी चार्जेस लिए जाते हैं। तो स्लाइस एप्लीकेशन से जुड़ी सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और साथ ही साथ मैं स्लाइस एप्लीकेशन से लाइव लोन अप्लाई करके आपको फुल प्रोसेस यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आपको स्लाइस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में स्लाइस एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जिसके लिए आपको अपने फोन का प्ले स्टोर ओपन करना होगा और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे स्लाइस एप्लीकेशन तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिल जाती है, जिसमें कि देख सकते हैं आपके सामने एक स्लाइस यूपीआई क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे सबसे पहले इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने एक ओपन का बटन मिल जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ओपन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे आप स्लाइस एप्लीकेशन के अंदर पहुंच जाते हैं और आपसे सबसे पहले यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन मांगी जाती है, जिसको कि आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आता है कंटिन्यू टू गूगल, तो दोस्तों आपको कंटिन्यू टू गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू टू गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में जितने भी गूगल अकाउंट लॉग इन होते हैं आपके सामने मिल जाते हैं। तो आप कोई भी अपने एक अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपके सामने वेरीफाई योर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है, उसके जस्ट नीचे में आपको यहाँ पे इंटर ईयर मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको इस बॉक्स में अपने 10 डिजिट के मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद नीचे में कंटिन्यू का बटन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाता है, जिसको कि सबसे पहले आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद सबसे पहले आपका नाम में यहाँ पे आपको पहले से मेंशंस मिल जाते हैं, जिसको कि आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है। अगर आपको यहाँ से एडिट करना होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। नीचे में आपको कंफर्म का एक बटन मिल जाता है, तो दोस्तों आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे फिर हमारे सामने दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले एक स्लाइस यूपीआई का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे यूपीआई एप्लीकेशन जैसे कि फोन पे के जैसा आपको इसको यूज करना होगा या उसके जैसे बनाना होगा तो आपको यहाँ पे स्लाइस यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो आपको यहाँ पे नीचे में स्लाइस बैरो का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों, इस ऑप्शन के माध्यम से आप यहाँ पे स्लाइस एप्लीकेशन के द्वारा लोन ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 5 लाख तक का लोन आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको स्लाइस बैरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप स्लाइस बैरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिल जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले आपको मिड स्लाइस बैरो का ऑप्शन आता है। उसके जस्ट नीचे में आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज स्लाइस बैरो, हाउ मच आई कैन बैरो। उसके बाद आपको नीचे में कुछ टर्म एंड कंडीशन मिल जाते हैं, जिसको कि आपके यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है क्या आप स्टूडेंट हैं। अगर आप स्टूडेंट होंगे तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, अगर आप यहाँ पे सैलरीड होंगे तो सैलरीड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय होंगे तो सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में कंटिन्यू का बटन मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका पेन एप्लीकेशन यानी पेन नंबर खुल के मिल जाता है। अगर आपका पेन नंबर यही सही होगा तो यस आई कंफर्म पे क्लिक करेंगे, अगर आपका पेन नंबर गलत होता है तो नो। इंटर्ड मैनुअली वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना पेन नंबर फिर से यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा पेन नंबर यहाँ पे सही है तो हम यहाँ पे यस कंफर्म पेन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही कंफर्म पेन पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी सिविल चेक की जाएगी और सिविल चेक करने के बाद नीचे में कंटिन्यू का बटन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, जिसमें कि सबसे पहला लोकेशन का होता है, सेकंड में आपके यहाँ पे SMS का होता है और थर्ड में आपको इंस्टॉल एप्लीकेशन का होता है। तो दोस्तों, आपको परमिशन देने के बाद नीचे में एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का बटन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे एक अलाउ का मैसेज आता है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है। फिर आपसे परमिशन मांगी जाती है, तो फिर से आपको यहाँ पे अलाउ दिस टाइम पे भी क्लिक कर सकते हैं या आप
वाइल यूजिंग द एप्लीकेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पे आपकी कॉलेज पूछी जा रही है, तो दोस्तों आप जो है यहाँ पे अपना कॉलेज का नेम इंटर कर देंगे। कॉलेज का नेम इंटर करने के बाद नीचे में कंटिन्यू का बटन मिल जाता है, तो दोस्तों आप यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है व्हेन विल यू ग्रेजुएट, मतलब कि आप यहाँ पे ग्रेजुएट कब हुए हैं। जब भी आप यहाँ पे ग्रेजुएट जिस भी ईयर में हुए होंगे तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे में आपको मंथ्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो दोस्तों आपको किसी एक मंथ को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपका ग्रेजुएट हुआ होगा। उसके बाद नीचे में कंटिन्यू का बटन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड कॉलेज आईडी या फी शिफ्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो दोस्तों आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना फी शिफ्ट या कॉलेज आईडी इंटर कर देंगे। तो आपको यहाँ पे फी शिफ्ट अपलोड करने के बाद नीचे में कंटिन्यू का बटन मिल जाता है, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू का बटन पे क्लिक करते ही फिर आपसे यहाँ पे आपकी सेल्फी मांगी जाती है, तो आपको यहाँ पे ओपन कैमरा वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ओपन कैमरा वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे फिर आपका कैमरा का परमिशन लिया जाता है, तो दोस्तों आपके यहाँ पे वाइल यूजिंग द एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। वाइल यूजिंग द एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कैमरा खुल के मिल जाता है, जिसमें कि आपको यहाँ पे अपना एक सेल्फी अपलोड करना होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना एक सेल्फी ले लेंगे। सेल्फी लेने के बाद आपके सामने एक लुकिंग गुड का ऑप्शन आता है, और नीचे में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आपको यहाँ पे ऑप्शन रीटेक आता है और दूसरा आपको यहाँ पे यूज दिस का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों अगर आपका फोटो क्लियर नहीं आता है तो रीटेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दोबारा से आप अपना सेल्फी ले सकते हैं। अगर आपका फोटो क्लियर आया हुआ है तो यूज दिस वाले पे क्लिक करके आपको यही फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद आपके यहाँ पे आधार वेरीफाई का ऑप्शन आता है, तो सबसे पहले आपको KYC भी या आधार OTP का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपके यहाँ पे अपना आधार कार्ड का KYC करना होगा, वो भी OTP के माध्यम से। तो आपको यहाँ पे KYC भी या आधार OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने डिजीलॉकर के ऑप्शन खुल जाता है, जिसमें कि आपके यहाँ पे अपना आधार नंबर मेंशन कर देना होता है। आधार नंबर मेंशन करने के बाद आपके यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना होता है। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे में नेक्स्ट का बटन मिल जाता है, तो आपके यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते ही आपके रजिस्टर फोन नंबर पे एक OTP जाता है, जिसको कि आपको यहाँ पे OTP वाले बॉक्स में OTP फिल कर देना है, और नीचे आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते ही आपसे आपकी डिजी लॉकर की 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन पूछा जाएगा, जिसको कि आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते ही आपकी डिजी लॉकर वेरीफाई कर लेती है, और आपसे यहाँ पे कुछ परमिशन मांगी जाती है, जिसको कि आपको यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है। अलाउ पे क्लिक करते ही आपकी आधार कार्ड डिजी लॉकर के द्वारा यहाँ पे वेरीफाइड हो जाती है, और आपको यहाँ पे KYC प्रोसेस कंप्लीट का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि आपकी KYC यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। उसके बाद से आपकी जो है यहाँ पे करंट एड्रेस की डिटेल ली जाती है, जिसमें कि सबसे पहले आपको हाउस या फ्लैट नंबर का ऑप्शन मिल जाता है, सेकेंड आपको यहाँ पे एरिया का ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पे फिल कर देना है, फिर से पिन कोड का ऑप्शन मिल जाता है, पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है, और आपको सिटी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे में कंटिन्यू का बटन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते ही आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है, और आपके यहाँ पे सिविल सही जाता है, तो आपकी लोन यहाँ पे जो है पास कर दी जाती है, और आपकी लोन यहाँ पे आपको मिल जाती है। दोस्तों अगर आपकी यहाँ पे लोन अप्रूव होती है तो आपकी यहाँ पे लोन अमाउंट की लिमिट मिल जाती है। आपकी लोन अप्रूव होने के बाद आपकी लोन अमाउंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो दोस्तों आप इस प्रोसेस को फॉलो करके स्लाइस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।